सेल्फी क्या निकाल रही है कमू? क्योंकि आप मेरी फोटो नहीं निकाल रहे ना माई जीजू। अरे निकालिए ना, थोड़ी तो निकालिए। अरे मुझे घर से निकाल देगी तेरी बहन, तू जानती है ना कमू उर्मिला को। चल 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 अंदर चल। लेकिन मेरा कसूर क्या है? मेरी सुंदरता, मेरी कंचन काया, मेरी सुंदर वाणी, यही मेरे दुश्मन है ना। अरे मेरे मन में कोई झांक के देखे तो दिखेगा कि मैं कितनी सच्ची, साफ और पवित्र। झांकिए तो सही। हेलो, ये बाकरवाड़ी अन्ना ने भेजी है। हाँ ठीक है, रख दे। अरे राख, और तू जा। ये कौन है? ये मर गया। ये अगर उर्मिला को बता देगा कि ये कोमिला है तो, और ये तो बताएगा ही बताएगा। अब ये बताइए ना। अभी तो बताया तुझे। मैंने नहीं सुना। ये उर्मिला है। लेकिन ये तो मस्त दिखती है। हाँ, क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर से आई है ना, इसलिए मस्त और ब्यूटीफुल लग रही है। तो ब्यूटी पार्लर में आवाज भी मस्त बनाते हैं। मैंने सुना इनका जोकीना मस्त आवाज है आपकी। हाँ, वो स्पेशल ब्यूटी पार्लर था ना, तो उन्होंने क्या किया मोल, इसके गले से ऐसे आवाज निकाली, फिर उसे धोया, साफ किया, धूल मिट्टी थी वो हटाई, अच्छे से मेकअप किया और आवाज फिर से गले में डाल दी, तो इसकी आवाज भी एकदम मस्त हो गई। और मेरी चाल भी देखिए ना, एकदम मस्त। आपकी चाल भी मस्त है, ये भी आपने सब वो मल्टीपर्पज ब्यूटी पार्लर था ना, तो चाल, बाल, ढाल, आवाज सब मस्त कर डाला उर्मिला का। अब तू जाना। बाय 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 बाय। मस्त वाली उर्मिला आंटी। अरे मेरी तरफ देखिए माही जीजू। नहीं देखूंगा। देखना ही पड़ेगा कि मैं कितनी अपसेट हूँ। आपने अमोल से झूठ के बोला कि मैं उर्मिला दीदी हूँ। क्योंकि वो अमोल अनाड़ी है, कहीं उसने उर्मिला को बता दिया कि तुम बाहर खड़ी खड़ी सेल्फी ले रही थी तो उर्मिला मेरी कुल्फी बना देगी। मुझे तो बचपन में भी सब लोग हीरोइन हीरोइन बोलते थे। ए गायत्री। अरे मम्मी आई, ये क्या आप लोग पूरा मार्केट उठा लाए? अरे गायत्री तू साड़ियाँ देखेगी ना तो पागल हो जाएगी, पागल। और अगर मेरी बात सुनेगी ना तो गायत्री तू। नहीं नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए दीदी। हाय हाय, तू यहाँ क्या कर रहा है संजय दत्त? रॉकी। हाँ भाई, बस सेम अवे। रॉकी पिक्चर में संजय दत्त ही था ना, तो तू क्या बाल की खाल निकालने बैठ जाता है, वो भी हमारी गली में, और तू यहाँ क्यों आया? अरे आप ही ने तो एड्रेस दिया था मुझे यहाँ आने के लिए। तो इतना जल्दी आ गया तू? एक्चुअली आपकी तस्वीरें भेजी थी मेरे क्लाइंट को। अच्छा। उन्होंने कहा बिल्कुल यही चेहरा चाहिए था उन्हें। बहुत पसंद आई है आपकी तस्वीरें उन्हें। सुनिए उर्मिला दीदी। हाँ। एक इंट्रो शूट करके मेरे मोबाइल पर भेज दीजिए, फिर एक कैमरा टेस्टिंग कर लेंगे और सब ठीक रहा तो इश्तेहार की हीरोइन आप। इश्तेहार की हीरोइन मम्मी? हाँ। That's awesome. बताओ ना इसको झारखंड बेन, बताओ बताओ। मैं महेंद्र को बता के आती हूँ। महेंद्र। अरे झारखंड बेन कर डाला मेरा, राज्य बना दिया मुझे औरत से। अच्छा सुन, तू ऊपर जाके बैठ ना। माई जीजू मुझे साड़ी में गर्मी लग रही है। तो मुझे कुछ चेंज करने के लिए दीजिए ना, मैं तब तक नहा कर आती हूँ।
मेरे नाम का भी ना लेना साथ में, ऐसे टाइम पे तुझे नहाने की पड़ी है। इतनी बड़ी बोझ हूँ ना मैं। ठीक है माही जीजू, मैं यही बैठ जाती हूँ घर के बाहर, और जब होटल से फोन आएगा कि मेरा रूम तैयार है तो चली जाऊंगी, यही से चली जाऊंगी। अरे कम्मू मेरी माँ, तू चल अंदर। आप क्या देख रहे हैं, आप जाइए अपना काम कीजिए। अच्छा ठीक है कम्मू, तू नहा ले, मैं उसके बाद कुछ चेंज के लिए देता हूँ। ठीक है, तो मैं नहा के आती। हे भगवान, जब तक कम्मू घर में है उर्मिला को आने मत देना प्लीज। हेलो, हेलो 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 विमल, हेलो। अब तो फिर से पहले जैसी फालतू दिखने लगी। क्या बोला तू? अब ब्यूटी पार्लर से आई थी तो मस्त दिख रही थी, आपकी आवाज भी मस्त हो गई थी, चाल भी एकदम टॉप हो गई थी। आपने जो ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवाया था, जो आपने आवाज पे लगाया था, चाल पे लगाया था और चेहरे पे भी लगाया था, वो आपने दो डाला। तू क्या बोल रहा है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, क्या धंधे लगाड़ू। तू अभी जाके खेल। खेलू? हाँ। चलो बाय। जब चाहो महेंद्र। इस नाइट में मैं कैसी दिख रही हूँ माही? तू दिखी क्यों रही है, चुपचाप पड़ी रहना यहाँ गेस्ट रूम में, बाहर मत आना। महेंद्र! बाप रे, ये उर्मिला आ गई। महेंद्र कहाँ है आप? मैं यहाँ हूँ अपने कमरे में। हैं? आप अगर हमारे कमरे में तो आपकी आवाज गेस्ट रूम में क्या कर रही है? डिटेचेबल है आपकी आवाज, ऐसे निकल के चलते चलते वहां तक पहुंच गई। रुकिए तो, मैं आ रही हूँ। नहीं, कमू छुप छुप, अरे छुप जा। कहाँ छुपू? मिला ने कहीं मुझे तेरे साथ देख लिया तो मेरा वध कर डालेगी वो वध। मुझे उर्मिला का वो स्वरूप दिखाई भी दे रहा है। हाय डार्लिंग। डार्लिंग? हाँ क्यों? अपनी पत्नी को मैं डार्लिंग कह के नहीं बुला सकता? जाओ ना अवे। आओ ना अवे। जाओ ना अवे। आओ ना अवे। जाओ ना अवे। आओ ना अवे। महेंद्र। ये लेडीज परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही है यहाँ से? हैं? है ना? हाँ। क्या है ना? हाँ। अब अग्री क्या कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने सवाल पूछा महेंद्र कि यहाँ लेडीज परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही है? मैंने छिड़का है तेरे वाला लेडीज परफ्यूम ताकि तू दूर रहे तब भी तेरी खुशबू मुझे मिलती रहे। है महेंद्र, ये तो आपने गायत्री वाला आइडिया किया, क्यों है? अंगड़ाइया क्या ले रही हो? क्या? मैं अपने दिल की ख्वाहिशों से कह रहा हूँ उर्मिला, ये अंगड़ाइया क्या ले रही हो ख्वाहिशें? अरे ये कोई वक्त है अपनी बीवी के साथ रोमांस करने का? बैठ जाओ ख्वाहिशें, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ ख्वाहिशें। अरे बैठ जाओ, बोला ना। क्या? बैठ गई ख्वाहिशें, बैठ गई। अच्छा मुझे ना आपके साथ एक अर्जेंट बात करनी है। हैं? व्हाट अ कोइंसिडेंस,
मुझे भी तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। चलो नीचे बैठ के नाश्ता करते करते बात करते हैं। हाँ ठीक है। और आपने उस वांद्री को फोन किया कि नहीं? वांद्री? वांद्री क्यों बोला तूने उसे? आपकी आवाज को क्या हुआ महेंद्र? क्या अचानक लेडीज जैसी आने लगी आपकी आवाज है? पता नहीं क्या? हाँ, वो मैंने तेरे वाला लेडीज परफ्यूम छिड़का ना, तो हो सकता है वो मेरी आवाज पे भी थोड़ा सा गिर गया हो, इसलिए थोड़े टाइम के लिए मेरी आवाज ना लेडीज टाइप हो गई है। लेकिन तुमने उसे वांद्री क्यों कहा? क्योंकि वो है गोरी गोरी ओरंगुटन। चलो अभी आप टाइम पास बहुत करते हो, नीचे चलो। चलिए चलिए। वो तुम कुछ भी मैनेज करो, लेकिन देखो कुछ भी हो जाए बाहर मत आना प्लीज। महेंद्र आया आया। अब वाड़े में कौन होनार करोड़पति खेल रहे? मैं भी खेलूं? पहले अन्ना को हार तो जाने दीजिए भारती काकी। ए गप बस, मैं 1 करोड़ रुपए जीतने वाला हूँ और शायद वो नागराज मंजूड़े मुझे भी बुलाएंगे। कहाँ? सोनी मराठी पे। हाँ, रात 8:30 बजे कौन होनार करोड़पति में वो लोग अन्ना को क्यों नहीं बुलाएंगे प्रभाकर दादा? और अन्ना ढ है, ऐसा बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? रोक गाड़वा रोक। अन्ना अन्ना आप गेम छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अच्छा तो शुरू करो, खेल शुरू करो। प्रथम प्रश्न, आजी यानी कि हमारी दादी आपको प्यार से किस नाम से बुलाती है? ऑप्शंस है ए कारू, बी बारू, सी लालू या डी चालू। एक मिनट, मैं वो फोन आप फ्रेंड का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हाँ कीजिए कीजिए। अरे उठा फोन उठा। हेलो हेलो ज्योत्सना, तुम मुझे प्यार से क्या नाम से बुलाती हो? पता तो है आपको। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। देखो विकल्प है काड़ू, बाड़ू, लालू, चालू। चालू करेक्ट है ना? बाड़ू बाड़ू दी बाड़ू लॉक किया जाए। एकदम बराबर बराबर। आई हमें भी ट्राई करनी चाहिए ना कौन होनार करोड़पति में जाने की? हाँ मम्मी बिल्कुल करना चाहिए। नागराज मंजूड़े कहते हैं उत्तर शोधला कि झगड़ा बदलतो, मतलब जवाब ढूंढो तो जिंदगी बदल जाएगी। बरोबर। हाँ जैसे उर्मिला मैनी को स्टार में एक्टिंग करनी मिलेगी ना, वैसे हम भी तो आ सकते हैं टीवी पर कौन होनार करोड़पति के जरिए, कोशिश तो कर ही सकते है ना। हाँ, एक मिनट, ये इश्तेहार वो उर्मिला आहो दुकान खोलने का समय हो गया है ना, इश्तिहार वाली बात मैं आपको बाद में बताती हूँ ना। अरे हाँ हाँ हाँ, चलो चलो ओ, चलो दुकान खोलने है। और देखो सगाई के दिन हम लोग खास कौन होनार करोड़पति खेलेंगे, पति पत्नी राउंड। वो उसमें क्या क्या होगा मैं आने की बात समझाता हूँ। चलो चलो आप खेलने बैठ गए ना। अरे मैं अरे कौन होनार करोड़पति नागराज मंजूड़े। निर्मिति भारती, उर्मिला वहिनी की इश्तिहार में काम करने वाली बात पक्की हो जाए उसके बाद ही उनको बताएंगे, समझ गई ना? बराबर। एक्शन। नमस्ते, मैं हूँ उर्मिला महेंद्रा। अरे बाप रे, सुके आए पेलो, क्या अपनी सरनेम को क्या बोलते हैं? नहीं अब बताना मत, मुझे याद है ना। हाँ हाँ, उर्मिला महेंद्रा खट्टर। ठक्कर मम्मी ठक्कर। हाँ भाई सेम अवे।
अभी दोनों में ख और ठ और ये सब आता है ना। हाँ तो फिर उर्मिला महेंद्र खटारा बोल दे, धोबी दोबारा करना पड़ेगा। एक्शन। नमस्ते, मैं हूँ उर्मिला महेंद्र ठक्कर। हाइट 5'6", वजन 60, नहीं 40, नहीं नहीं 20 रखते हैं, 20 फाइनल। दो बोल दे, नहीं नहीं 40 ग्राम है मेरा वजन, ऐसा बोल दे। नहीं अभी पैदा हुई हूँ, प्रीमैच्योर हूँ, ऐसा बोल दे, बोल दे, बोल दे, बोल दे। मम्मी 50 बार प्रैक्टिस की ना आपने, अभी अच्छे से बोलिए ना। ठीक है सॉरी हाँ सॉरी। अभी देख मैं मस्त करती हूँ, ऐसा बोलूंगी ना मैं कि तेरे मुंह से वाह ओ माय गॉड ऐसा निकलेगा, देखना अभी। चल स्टार्ट करते हैं। एक्शन। ओ माय गॉड। नहीं नहीं मैं बोलूंगी नहीं तो तू उससे पहले ओ माय गॉड कैसे बोल सकती है। उर्मिली उर्मिली तू तू अच्छा नहीं कर रही है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है तुझ में, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला। आंखें बंद कर और ध्यान लगा और अपने मन में अपने कॉन्फिडेंस को जिंदा कर, ठीक है? पर वो तो मैं खुली आंखों से भी कर सकती हूँ, देखो। नहीं नहीं तुझे मेरी कसम, ध्यान तो आंख बंद करके ही किया जाता है ना। आंखें बंद कर और अच्छे से ध्यान लगा ताकि तेरा वीडियो टेस्ट अच्छा हो और ये इश्तेहार तुझे मिले ही मिले। हाँ तो तुझे मेरी कसम, आंखें बंद कर, ध्यान ध्यान लगा। हाँ आंखें बंद कर, खुलना मत आंखें, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बहुत लो लग रहा है तेरा कॉन्फिडेंस। मैंने कर लिया ध्यान, मैं खोलूं आंखें ना? बाकी है, बाकी है। नहीं नहीं ध्यान ध्यान बाकी है अभी उर्मिला, कॉन्फिडेंस आया नहीं अभी तक तेरे चेहरे पे। हाँ अच्छे से ध्यान लगा, अच्छे से आंखें मत खोलना, आंखें मत खोलना, तुझे मेरी कसम। हाँ उर्मिला तूने फिर से नाइटी चेंज क्यों की? नायलन की नाइटी मुझे बहुत चुभ रही थी जीजू। उर्मिला ने देख लिया ना तो त्रिशूल चुभेगा। हे गायत्री इसका कुछ कर। बस हो गया, मैं आंखें खोल रही हूँ। गायत्री कहाँ चली गई? ओ भगाने गई। अरे शू बोलो जगाने गई है। हाँ? लगाने गई है मेहंदी अचानक, मींस के अभी एक मिनट पहले तक यहाँ खड़ी खड़ी मेरी हेल्प कर रही थी और अचानक मैंने आंखें बंद की तो मुझे बिना बताए मेहंदी लगाने चली गई। हाँ बात क्या है महेंद्र, मेरे करीब आइए, तो इधर आइए। अब बताइए मुझे आंखें बंद करके वहां क्यों खड़ा रखा था ऐसे? क्योंकि मेरा मन कह रहा है महेंद्र कि मेरी आंखें बंद थी ना तो यहाँ पे कोई घुसपुस कर रहा था। मासी आप घर में छुपी थी? हाँ जीजी ने लाख मना किया था लेकिन मेरे होटल का कमरा रेडी ही नहीं था। ओ हो तो अब आप ये रूप लेके आए हो अभिषेक काका, सुंदर वाली दीदी का रूप क्यों? हाँ स्वीट गायत्री, तुम्हारा अभिषेक मेरे जैसा मासूम दिखता है। नहीं मैं तो ऐसा दिखता हूँ। ये है अभिषेक काका जो आपको जाता देके निकल गए जबकि आपको चूरी वाली आंटी को अभिषेक काका समझ रहे थे। एक्चुअली ये जो मेरा अभिषेक है ना ये ऐसा दिखता है, ये इसका फोटो है। ओ हैंडसम दे दिया ना जैसा। मैं तेरे नाक के नीचे से मेरी गायत्री को भगा के लेके गया तो अब मुझे भी भगा के ले जाओ हैंडसम बॉय। एक्चुअली होटल से मुझे फोन आया था दैट माय रूम इज रेडी सो अबू चलो। अभिषेक ये मासी है। हाँ मासी मैं गेटअप चेंज करके और मासी को जल्दी छोड़ के आओ वरना हम दोनों की सगाई से पहले मेरी मम्मी पापा का डिवोर्स हो जाएगा। जाओ जाओ मासी अब चलिए।
चलो जल्दी करो, जल्दी खोलो केशव लौका। अरे अरे ओ कोमा मिला, किधर? होटल जा रही हूँ, यहाँ किसी के पास मेरे लिए कोई जगह नहीं। नहीं नहीं, हमारे वाड़े में बहुत जगह है कम्मू, आप वहाँ रहिए ना प्लीज। हाँ, दो कमरे खाली हैं मम्मी। मम्मी? प्रभु प्रभु, वहाँ रहूंगी ना तो भी उर्मिला दीदी को अच्छा नहीं लगेगा। जबकि देखिए ना मेरी हथेलियों को प्रभु, देखिए ना इनकी रेखाओं में कहीं भी ऐसा लिखा है कि मैं मेरे जीजू के लिए कुछ भी गलत सोचूंगी? देखिए ना मेरी कलाई को अच्छे से देखिए। अरे मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है मम्मी। ध्यान से देखना पड़ता है प्रभाकर दादा, बाजू लावा बाजू लावा, थम 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 आ। मैं देखता हूँ आपकी हथेली। केशव कावड़ा, मैं दिखाऊँ अपनी हथेली तेरे गालों पे? आरी आरी बाड़ा क्षमा, हाँ बाड़ा क्षमा। चलो चलो अभी वो अभिषेक को बोलो कम्मू को छोड़ के आने को, क्योंकि सही कह रही है बेचारी, वो उर्मिला बहन है ही शक्की। सच सच बताइए महेंद्र, ये बैग किसकी है? लेदर की है उर्मिली, चमड़े की है देखना। अच्छा एम? तो फिर ऐसी चमड़े की एक और बैग बनाती हूँ मैं, लाइए आपकी चमड़ी उधेड़ती हूँ। आओ ना जाओ ना वे, रुकिए आपकी चमड़ी उधेड़ती हूँ, रुकिए आप।